हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल के लिए, जो कि वन लाइनर सीरीज हमने शुरू की थी उसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। वर्ष 1920 में के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रोलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था, नमक कानून। एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, कौन से आंदोलन में दिया था गांधी जी ने? ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा स्वशासन हेतु आंदोलन किया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, इसमें बहिष्कार की योजना थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। सोचो कितने शराब पीते होंगे लोग, गवर्नमेंट को इतना नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि लोग शराब पीना छोड़े, तो शराबियों सुन लो, छोड़ दो शराब, आपका भला है, गवर्नमेंट का नुकसान है। हालांकि एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम है बिहार। असहयोग आंदोलन से मतलब असहयोग आंदोलन जो होता है क्या इफेक्ट हुए थे। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय जो था वो हट गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उसने असहयोग आंदोलन में वापस दिया था, वह थी केसर हिंद। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। चित्तरंजन दास ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, बाल गंगाधर तिलक। राहुल सांस कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा में चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि थी 4 फरवरी 1922। चोरी चोरा स्थित है गोरखपुर जनपद में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था, यह समाप्त हुआ 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड, ये चोरी चोरा है कहाँ पे? यूपी में गोरखपुर में। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। सही क्रम से लगाना भाई, चोरी चोरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिपल था हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि इसके पहले जो क्या हुआ था ना, हिंदू मुस्लिम बहुत बिखरे हुए थे, तो ये जो आंदोलन हुआ इसके कारण उनमें एकता आ गई थी, दोनों एक साथ ये आंदोलन में शामिल हुए थे। सही सुमेलित करना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंट सुधार, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही सुमेलित करना है फिर से, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, कारण इस स्थगन का सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। ये और दोनों सही है,
परंतु आर ए का ए की सही व्याख्या नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी, जहांगीर, पी सेठना और सीतावाल आदि ने। सीतलवाड़। तो गाइस यहाँ पे जो है वन लाइनर फिनिश होते हैं। चलिए बाय।